देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। पाकिस्तान में जहां सियासी दर्जा हरारत की बात करें, सियासी पारे की बात करें, वो हमेशा उरूज पे नजर आता है। फिलहाल ऐसे ही कुछ नजर आ रहा है पाकिस्तान के तूल अर्ज में, सियासी गहमा गहमी अपने उरूज पे देखने में आ रही है। और साथ में अगर बात करें तो पाकिस्तान में जो दो सूबाई असेंबली हैं उनके हवाले से मामला बड़े गर्म नजर आते हैं। पहले तो बात करेंगे जरा पंजाब असेंबली की, क्योंकि पंजाब असेंबली में पंजाब असेंबली का मुस्तकबिल क्या होने जा रहा है, चौधरी परवेज इलाही साहब की आने वाले दिनों में हिकमत अमली क्या होगी, वो यकीन तौर पर इस वक्त एक बड़ा सवाल बनी हुई है। और क्या एतमाद का वोट हासिल करने में चौधरी परवेज इलाही साहब कामयाब हो सकेंगे या नहीं, इसके ऊपर जरूर बात करेंगे। और साथ में आज के प्रोग्राम में मईशत के ऊपर बात करेंगे और कराची में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जो इस वक्त मौसम गर्म हुआ हुआ है, उस सवाल से भी आज के प्रोग्राम में जरा गुफ्तगू करेंगे। मैं अपने आज के मेहमानों से आपका तारुफ कराता चलूं। आज हमें ज्वाइन करें जनाब शुएब राजा साहब, सीनियर सहाफी हैं, कोई किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सब जानते हैं इनको और इनके दोस्तों का जो तजिया है वो भी आप अक्सर सुनते हैं। साथ में ज्वाइन करें हमें इस्लामाबाद से ही रिजवान शाह साहब, सीनियर साहब भी तजिया कार हैं और इन्हें भी आप अक्सर हमारे प्रोग्राम्स में देखते हैं, बड़े दबंग अंदाज में गुफ्तगू करते हैं। कोशिश करेंगे कि आज जो इनसाइड स्टोरीज हैं, जो इस वक्त पसे पर्दा कुछ हो रहा है, उस तमाम सिनेरियो को आपके सामने पेश कर सकें। शुएब साहब अस्सलाम वालेकुम। शुएब साहब ये बताएं कि ये जो पंजाब असेंबली की जो सूरत हाल है, एक ड्रामाई सूरत हाल है, क्योंकि यहां पे वजीर आला कौन है और कौन नहीं और कौन किसके कहने पर वजीर आला है फिलहाल ये डिटरमाइन नहीं हो पा रहा, तो अंदर की जो खबरें हैं वो क्या निकल के आ रही है साहब, बताएं ना हमें। देखें सर, बात ये है कि पंजाब में वजीर आला तो परवेज इलाही साहब हैं, किसके हैं ये थोड़ा डाउटफुल है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि पीटीआई से अलायंस वो तोड़ नहीं सकते, अगर अलायंस तोड़ेंगे तो शायद अपनी सीट भी ना जीत सके, और एस्टेब्लिशमेंट से इसलिए नहीं बिगाड़ सकते कि पैदा उनकी गोद में हुए थे, सही तो इश्यूज हैं और ये इश्यूज रहेंगे। चोई साहब जो हैं उनको मेरे ख्याल में तो अब उनको समझ आ जानी चाहिए कि ये जो एस्टेब्लिशमेंट का जो सूरज है ये अब गुरूब होने को है। लेकिन आप शेख साहब आप कह रहे हैं ये जो सूरज गुरूब होने को है, उन्होंने कह भी दिया चले हम ए पॉलिटिकल हैं, लेकिन इस वक्त जो मुल्क में सियासी गहमा गहमी, आपको नहीं लगता कि ये तो मेरे ख्याल से सूरज हमेशा आबो ताब रहेगा और यहाँ पे एक जो किरदार है एस्टैब्लिशमेंट का वो पहले भी था, आज भी और मेरे ख्याल से मुस्तकबिल में भी रहेगा? नहीं सर, मुस्तकबिल में नहीं रहेगा, क्योंकि इतनी अवेयरनेस अवाम में कभी भी नहीं थी जितनी अब आ गई है। हम तो 30 साल से बोल रहे थे, मगर अवाम में जो अवेयरनेस जो इस वक्त मैं देख रहा हूँ वो पहले कभी नहीं देखी, आज तक नहीं देखी, पहली बात। दूसरी बात सर ये है कि जहां तक तल्लक है ना चौधरी साहिबान का, तो अनफॉर्चुनेटली वो मतलब ये कि वो कभी भी क्लियर नहीं होंगे इस बात पे, वो एस्टेब्लिशमेंट को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक उनको 100% यकीन ना हो जाए कि अब एस्टेब्लिशमेंट का सूरज वाकई गरूब हो रहा है। लेकिन शेख साहब माजत, कलामी की माजत, आप कह रहे हैं चले एक एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका ताल्लुक है, रवाबित है, लेकिन आज अगर काउंटर आर्ग्यूमेंट के तौर पर एक आ जाए बींग अ डेविल्स एडवोकेट कि आज वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है और ऑन पेपर तो इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजीर आला है, तो ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं एस्टैब्लिशमेंट में तहरीक इंसाफ के लिए आज भी गुंजाइश मौजूद है? नहीं सर, मैं नहीं ऐसा देख रहा। और उसकी वजूहत, उसकी कोई वजूहत तो जरूर होंगी ना? सॉरी जी जी शेर, मैं ये कह रहा था कि आरटीएस बैठाकर इनको इनकी औकात में रखा गया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि खान साहब को सिंपल मेजोरिटी भी मिले। सही, मतलब आपको ये लग रहा है कि उन मतलब जो 2018 के इंतखाबात थे वहां पे अगर आरटीएस सिस्टम नहीं बैठता तो शायद तहरीक इंसाफ और भी सीटें जीत सकती थी और 2/3 मेजोरिटी की पोजीशन में आ सकती थी। नहीं, 2/3 मेजोरिटी का तो मैं नहीं कह रहा, मगर ये सिंपल मेजोरिटी जरूर ले जाते। अच्छा, ये बड़ा आपने एक इंकशाफ किया, लेकिन रिजवान शाह साहब ये जो शेब साहब गुफ्तगु फरमा रहे हैं, मुझे जरा ये समझाएं कि आज अगर पंजाब असेंबली का मौजूदा स्टेटस जाने तो क्या पंजाब असेंबली फाल है, गैर फाल है, या पंजाब असेंबली का मुस्तकबिल आला अदलिया के रहमो करम पे अब नजर आता है, क्योंकि जो ऐवान है उधर से कोई फैसला साजी होती नजर नहीं आ रही? देखिए, फैसला साजी किस तरह होगी जिस वक्त आप पार्लियामेंट को पार्लियामेंट का किरदार अदा नहीं करने देंगे, अदलिया बीच में जंप मारेगी और अदलिया चाहेगी कि हमारी मर्जी से ये मामला चलें, तो उस वक्त ये चीजें पॉसिबल नहीं है।
या तो सब इदारे अपने अपने डोमेन में काम करें, तो उस वक्त बिल्कुल होगा ये सब। कि नहीं कर रहे ना माजद शाह साहब, नहीं हो रहा। अदालती फैसले यकीनन पार्लिमानी निजाम के लिए एक परेशानी का बायस बने हुए हैं। शाह साहब आप मुझे बताएं, अगर सियासी कुव्वतें अपना किरदार नहीं अदा करेंगी तो फिर कोई ना कोई इदारा तो होगा जिसको इंटरवीन करना होगा मामलात को संभालने के लिए। ऐसा भी तो नहीं मुमकिन है ना कि कोई कुछ भी कर ले, आईन की खिलाफ अर्जी कर ले और फिर वो काम होता रहे। आप समझते हैं कि इस वक्त सियासी जो कुव्वत है वो उसके पास भरपूर कुव्वत है, क्या वो अपना सही तरीके से किरदार सियासत का अदा कर सक रहे हैं? तो सर किसके पास कुव्वत है? आप कह रहे हैं सियासी किरदारों के पास वो कुव्वत नहीं है, तो फिर कुव्वत किसके पास हो? अगर कुव्वत नहीं है तो फिर हुकूमत क्यों संभली हुई है, ये भी तो बताएं ना जरा। देखिए मुझे बताएं ना कि अदालत अदालत को अदालत ने सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था जिसमें अदालत ने कहा था कि पार्लियामान कोई सा भी कौमी असेंबली हो या कोई भी असेंबली हो वो अदालती मामलात के अंदर मुदाखलत ना करे, हम उसको नहीं मानेंगे। लेकिन पार्लिमानी निजाम के अंदर, सूबाई के अंदर और कौमी के अंदर हमने देखा है, इमरान खान की जब हुकूमत खत्म हुई है तो उस वक्त अदालत के हुक्म पर रात 12 बजे का ऑर्डर आया था। तो मतलब आप देखें, दो चीजें आप एक साथ नहीं चला सकते, या तो आप खोलो। तो अब अगर मैं इस मौजूदा सिनेरियो की बात करूँ ना शाह साहब, शाह जी मैं अगर इस मौजूदा सिनेरियो की बात करूँ, चले इस वक्त जो सूरत हाल है कि चौधरी परवेज इलाही साहब को एतमाद का वोट लेना है, उनका अपना एक स्टांस है और उनकी अपनी एक हिकमत अमली भी होगी, सियासी हिकमत अमली भी हो सकती है। आपको क्या लगता है कि आगे चल के पंजाब असेंबली का मुस्तकबिल क्या है? क्योंकि ये तो एक कश्मकश की सूरत हाल है, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना सनम मिला ना विसाले, यार ऐसे कुछ हो गया सर। ये ना खुदाई मिला ना विसाले सनम, उसकी वजह यह है कि चौधरी परवेज इलाही दो किश्तियों के सवार हैं। मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि वो डबल माइंडेड हैं, वो अपनी बेस जो उनकी बुनियाद है वो छोड़ना भी नहीं चाहते और उनको अगले इलेक्शन में खान साहब के बगैर कोई जगह भी नजर नहीं आ रही, इसलिए ये तमाम मामलात वो डिले कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कोई ऐसा बामी रास्ता इस दौरान में निकल आए जिससे वो अपनी जगह पर भी कायम रहे, उनके ताल्लुकात भी कायम रहे और अगले जमहूरी जो अगले इलेक्शन होंगे आपके उसके अंदर वो कोई स्पेस भी हासिल कर सके। तो आप कह रहे हैं कि काफ लीग को अपना मुस्तकबिल तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादा मुस्तकम नजर आ रहा है, ये कह रहे हैं आप? सर आप मुझे बताएं, ये काफ लीग अगर तहरीक इंसाफ और खान साहब के साथ नहीं खड़ी होगी तो आप बिलीव करें कि ये दो सीटें भी नहीं लेंगे। चलें मैं इसी पे आता हूँ। देखिए ना, चौधरी परवेज इलाही साहब की तो लॉटरी निकली हुई है, 10 सीटों के ऊपर वो सीएम बने हुए हैं। कहाँ पर इस तरह आपने पाकिस्तान में इस तरह का कोई मिसाल देखी? जी आपका पॉइंट आ गया, मैं इस पे आता हूँ। लेकिन शिव साहब जरा ये बताएं कि कल फवाद चौधरी साहब ने मीडिया से गुफ्तगु करते वक्त एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि अरबों रुपए की ऑफर की जा रही है एमपीएस को पंजाब असेंबली के, और कोशिश की जा रही है कि एमपीएस को खरीदा जा सके और जो तहरीक इंसाफ की जो पोजिशन है उसको गैर मुस्तकम किया जा सके। दूसरी जानब तहरीक इंसाफ की अगर बात करें तो उनके कुछ एमपीएस सामने भी आए हैं, कुछ खवातीन भी सामने आई हैं, वो कह रही हैं कि वो चौधरी परवेज इलाही को वोट नहीं देंगे, चाहे खान साहब जिसको जो हमारे साथ मामला चाहते हैं वो कर लें, हम खान साहब को अपना वोट अपनी अमानत खान साहब को सुपुर्द कर देते हैं लेकिन चौधरी परवेज इलाही को हम वोट नहीं देंगे। ये क्या सूरत हाल हुई है शेर साहब? सर गुजारिश ये है, ये जो खवातीन एमपीए, एक एमपीए है जिसने ये बात की है, मोमना वहीद नाम है गालिबन उनका, तो गुजारिश ये है कि वो कोई इलेक्शन जीत कर आई थी, रिजर्व सीट पे आई है ना, बिल्कुल सही, पार्टी की मरहून ने मिन्नत है ना रिजर्व सीट, तो अगर वो ये बात कर रही है तो भाई सीधी सीधी सी बात है कि कुछ ले दे पे बात हुई है ना, उसके अलावा तो बात पर वो इनकार कर रही है ना शिव साहब, बात कर रहे थे शाह साहब, शिव साहब वो तो इनकार कर रही है ना, वो तो कह रही है मैंने तो कोई पैसे नहीं लिए और मैं तो आज भी खान साहब की अमानत है ये वोट, खान साहब को मैं इसको वापस करने के लिए तैयार हूँ लेकिन मैं चौधरी साहब को वोट नहीं करूंगी। तो ठीक है ना, अपनी सीट से रिजाइन दे दें, सिंपल सा हल है। अच्छा वो मतलब रिजाइन दे सकती है, उनके पास ये ऑप्शन मौजूद है? बिल्कुल रिजाइन दे सकती है और उनको रिजाइन देना चाहिए। अगर आप पार्टी के डिसिप्लिन के साथ नहीं चल सकते तो आपको कोई हक नहीं है कि आप उस सीट पे बैठे रहे जो सीट आपको उस पार्टी ने दी है। और अगर आईनी तकाजे की बात करूं तो आईन ये कहता है कि ये जो वोट है जो मेंबर का है ये पार्टी की अमानत होती है और जो पार्टी की डायरेक्शन होगी उसी तौर पे ये वोट दिया जाएगा, या कोई शख्स इंफरादी तौर पे अपने वोट का इस्तेमाल कर सकता है?
जी बिल्कुल ऐसे ही है, जो सुप्रीम कोर्ट का जो पिछला फैसला है अगर आप उसको पढ़ लें तो उसमें यही लिखा हुआ है कि अगर वो मतलब मुखालफ को वोट देगी भी तो वो काउंट नहीं होगा। सही, तो मतलब मैं ये तो आपने क्लियर कर दिया ना, तो इसका मतलब ये समझा जाए जो ये एग्जांपल कोट की जा रही है वह वन ऑफ द एग्जांपल है, इसके अलावा और कोई ऐसा मेंबर नहीं है जो इस वक्त तहरीक इंसाफ की जो पॉलिसी है उसके खिलाफ वर्जी कर रहा हो, और एक ही मेंबर है जो इस वक्त वोट डालने के लिए इनकार कर रहा है, बाकी सारे मेंबर्स अपनी जगह पे मौजूद है, ऐसी सूरत हाल है? नहीं सर, बाकी सारे नहीं है, एक और एमपी साहब जो है वो दुबई भाग गए हैं गालबन, मेरे जहन से उनका नाम निकल गया है, कोई कोई लगारी साहब है समथिंग, जी जी जी, तो वो भी दुबई भाग गए इसी चक्कर में। ऑब्वियसली मतलब ये कि ये तो मतलब ये कि किसी भी बंदे को समझ आ रही है कि वो क्यों भागा है, ठीक है ना, जब कहीं से कुछ मिला है तो लेकर रिप्ले हो रहा है, जो कौमी असेंबली में हुआ था इमरान खान के टाइम पे, ये वो एक्शन रिप्ले हो रहा है, एक्शन रिप्ले हो रहा है, ये 2022 वाली सूरतहाल दोहराई जा रही है, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं एक बात और अर्ज करना चाहूंगा, जो भी थोड़ी देर पहले आपने बात की थी आला अदलिया की, तो मुझे ये बताएं कि आला अदलिया का काम क्या होता है, क्या काम होता है? इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एक मिनट, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंटरप्रिटेशन में ये कहां से आ गया कि भाई आप हमें कमिटमेंट देंगे आप असेंबली नहीं तोड़ेंगे, क्या ये उनका राइट बनता है? अच्छा, अगर ऐसी सूरत हाल में आपको क्या लगता है शुएब साहब, क्या होना क्या चाहिए? आप दोनों यहाँ पे सीनियर है ना, जैसे आपकी बात जरा ज्यादा वाजे हो जाएगी कि आप कोर्ट का वो दिन भी याद रखें जब कोर्ट ने कहा था कि 72 घंटे गारंटी दें, नवाज शरीफ जिंदा रहेंगे, उनकी जिंदगी की आप गारंटी दें तो हम ये केस खत्म कर देते हैं। Exactly. तो क्या कोर्ट इस तरह करते हैं, कुछ जिंदगी की गारंटी दे सकता है? तो आपको आपकी बात को मैंने जो है वो कूजे में बंद कर दिया। अच्छा, लेकिन मैं ये तो फिर ये भी बताया ना कि इस वक्त ऑप्शंस क्या रह जाते हैं, अगर आप कह रहे हैं कि इस वक्त चौधरी परवेज इलाही साहब को बाउंड ना किया जाए, आपको लगता है अदलिया ने बाउंड किया है? चौधरी परवेज इलाही साहब खुद बाउंड होना चाहते थे, उनकी भी कहीं ना कहीं ये ख्वाहिश थी कि इस तौर पर ये जो मौजूदा असेंबली उसकी मुद्दत में इजाफा किया जाए, ये नहीं आपको लगता इस तरह से हो सकता है? बात आपकी ठीक है, इसमें कोई शुबा नहीं कि वो भी चाहते हैं कि मुझे थोड़ा वक्त और मिल जाए, लेकिन गुजारिश ये है भाई कि 10 सीटों के साथ आप चीफ मिनिस्टर बने हैं, ये भी जेहन में रखें ना, किनके जिनकी वजह से बने हैं, आपको उनके डिसिप्लिन के साथ चलना चाहिए ना। और ये डिसिप्लिन किस तरीके से मेंटेन हो सकता है? सीधी सी बात है भाई, जो मेजोरिटी का फैसला होगा उनको मानना चाहिए, मतलब जो तहरीक इंसाफ का फैसला है, जो खान साहब का फैसला वो मानना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? Exactly. शाह साहब आपका क्या कहना होगा इसके हवाले से? शाह साहब, शुएब साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं, मैं तो चौधरी परवेज इलाही साहब के लिए एक शेर ही सुना सकता हूँ, भूख पड़ता है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साहब छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, एक सीधा सीधा आप केओस खत्म करें पंजाब असेंबली के अंदर, आपने इसको लटका के रखा है, जानकर आप पहले भी जिस वक्त ये हमजा शहबाज के उतरने का टाइम था उस वक्त भी चौधरी साहब ने फौरी तौर पे हमजा शहबाज के साथ मीटिंग करके जो है और वो एग्री कर लिया था कि ठीक है जी उस वक्त तक कुछ भी नहीं होगा, 72 घंटे 36 घंटे कुछ नहीं होगा। तो इसी तरह चौधरी साहब फिर दोबारा इस चीज को लटका रहे हैं, उस चीज को कितना टाइम वो लटका सकते हैं, और यही सवाल मेरा भी आपसे है ना कि कितना टाइम मजीद इस तरीके से गेन किया जा सकता है? आखिरकार उन्हें हर सूरत में एक साइड पकड़नी होगी, बस इस साइड को पकड़ने का दिल नहीं है उनका। लेकिन शाह साहब ये वक्त इतना रह गया है, इस वक्त पंजाब असेंबली में जो सूरत हाल है, राणा सनाउल्लाह साहब की गाड़ी पे जूता मारा जा रहा है, एक तरफ जो कारकुनान है वो गुत्तम गुत्ता हो रहे हैं, सियासी दर्जा हरारत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, सर ये सूरत हाल कब जाके क्लियर होगी? इस वक्त पाकिस्तान इस तरह के मनाजिर का, इस तरह के विजुअल्स का मुतामिल तो नहीं हो सकता। देखें मेमन साहब, गुजारिश ये है कि इसको आप सियासी दर्जा हरारत ना कहें, ये पहली मर्तबा इस कौम को ये एहसास हुआ है कि ये 1947 से लेकर आज तक आजाद हुए नहीं, ठीक है, 1947 में हमें आजादी नहीं मिली, हमारी ट्रांजिशन ऑफ पावर हुई थी, हमें क्वीन की चेन उतार कर अमरीका की चेन्स पे ना दी गई थी, 1945 में भी अमेरिकन सेनेटर जो थे वो कराची क्यों बैठे हुए थे? सही, हिस्ट्री पढ़ लेना सर, बिल्कुल सर। मैं जो बात कर रहा हूँ लॉजिकल बात कर रहा हूँ, ठीक है, हमें हमारी हिस्ट्री डिस्टॉर्ट कर दी गई,
हमारे साथ जो कुछ किया गया यह सबके सामने है, इसमें छुपा हुआ कुछ नहीं है। ठीक हो गया, ये आपका राजेश साहब आपका ये पॉइंट आ गया, मुझे ब्रेक पे जाना है क्योंकि जब ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो खान साहब की पार्टी क्यादत उसके हवाले से भी एक पिटिशन के हवाले से मामला चल रहा है और खान साहब को एक थ्रेट के हवाले से भी इसके इस वक्त जो सूरत हाल है उसके ऊपर बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। ये तो जरा मसला था, हमने पंजाब असेंबली का जो इस वक्त डिस्कस किया, लेकिन वफाक में भी जो सूरत हाल है ज्यादा बेहतर नहीं है। तहरीक इंसाफ जहां पे अपनी कानूनी चारा जोई कर रही है तो वहीं पे तहरीक इंसाफ को भी बड़े चैलेंज का सामना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबरा जनाब इमरान खान साहब को अपनी पार्टी सदारत इस वक्त खतरे में महसूस होती हुई नजर आ रही है। दूसरी जानब तहरीक इंसाफ के सरबरा जनाब इमरान खान साहब के लिए दीगर थ्रेट्स भी काफी ज्यादा इस वक्त मौजूद हैं। ऐसी सूरत हाल में जहां पे वफाकी सतह पे जहां पे सीनियर लीडरशिप को इस तरह के थ्रेट हो, वहां पे पाकिस्तान में जो इलेक्टोरल प्रोसेस हो किस तौर पे आगे बढ़ सकता है। शुएब साहब, ये तो यकीनी है कि इस वक्त वफाकी सतह पे भी बहुत कुछ हो रहा है, सियासी रसाकशी अपने उरूज में नजर आती है, इसके असरात क्या निकल के आएंगे जो इस वक्त खान साहब की के हवाले से पार्टी सदारत की बात की जा रही है, माइनस वन की बात की जा रही है, पाकिस्तान की सियासत में नहीं तो नहीं है लेकिन इसका असर क्या होगा? देखिए सर, इसके दो पहलू हैं। पहली बात तो ये है कि उनको पार्टी की जो सदारत है वो दी किसने है? ठीक है, अवाम ने, ऑब्वियसली जो उनके जो वोटर्स हैं उन्होंने उनको दी है ना ये इजाजत। ठीक है, उसमें मदनी ख्याल के ये जो इलेक्शन कमीशन जो हरकतें कर रहा है जिसकी अपनी कोई से नहीं है, ठीक है, उससे मुझे तो नहीं समझ आती कि हाँ खान साहब की जिंदगी को खतरात जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है और खान साहब को इस सिलसिले में मुहतात होने की जरूरत होगी। बाकी ये जो है ना जो आप बात कर रहे हैं विद ड्यू अपोलॉजी, ये उन मुल्कों में होता है जहां पे कोई इदारे होते हैं जहां पे कोई रूल ऑफ लॉ होता है, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ तो है ही नहीं। यहाँ पे आप देखें ना, यहाँ पे आप अपनी मर्जी का बंदा लाने के लिए आप आईन तोड़ देते हैं। आप बेशुमार ऐसे लेकिन शिव साहब ये जो आप देखें ना माइनस वन की बात हो रही है, अब माजी में इस तरह के तजुर्बात तो हुए हैं पाकिस्तान में। शिव साहब कनेक्ट, गालबन आपकी, शिव साहब गालबन आपकी आवाज नहीं आ रही जी। शाह साहब मैं आपसे जरा पूछूंगा, ये जो शिव साहब इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं और जो बता रहे थे कि ये माइनस वन की कोशिशें पहले भी हुई हैं, माजी में भी हुई हैं यकीन तौर पे, तो इसके असरात निकल के क्या आएंगे? क्योंकि पहले भी जब कोशिशें उस तरीके से कामयाब तो नहीं हुई, आज भी हम कराची की बात करें सूरत हाल वही है, पंजाब की बात करें मुस्लिम नून की बात करें वही पे, सूरत हाल में तो ज्यादा फर्क नहीं आया। देखिए माजी में और आज में बहुत फर्क है। माजी में आपके पास इतना मकबूल लीडर नहीं था जिसकी जड़ें अवाम के अंदर इतनी मजबूत हों और अवाम उसके पीछे इतनी दीवानी हो, उसकी इतनी शहदाई हो, और शहदाई होने की वजह अवाम यह समझती है कि खान साहब एक ईमानदार, दयानतदार, सादिक और अमीन है। क्योंकि मेरे लफ्ज से बहुत सारे मेरे दोस्तों को तकलीफ भी होती है लेकिन वो सर्टिफाइड सादिक और अमीन है और इसको अवाम मानती है, इस बात को अवाम मानती है और अवाम के पसंदीदा नुमाइंदे हैं और लोग समझते हैं कि उनके बच्चों का मुस्तकबिल खान साहब के होते हुए महफूज है और पाकिस्तान आगे तरक्की कर सकता है। शाह साहब माजरत, कथा कलामी की माजरत, मकबूल लीडर को आप इलेक्शन कमीशन के थ्रू या किसी भी सूरत में माइनस नहीं कर सकते। शाह साहब आपका पॉइंट है बिल्कुल सही है लेकिन आप जो मिट्टी हर बार इस्तेमाल कर रहे हैं इदारे, लेकिन इमरान खान को माइनस नहीं कर सकते आप, उसको सियासी तौर पे माइनस कर सकते हैं, जो बंदा आवाम के दिल में रहता है उसको कैसे माइनस करेंगे आप? शाह साहब आप मेरी बात समझ, आवाज शाह साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि खान साहब को सादिक अमीन इसी मुल्क की आला अदलिया की जानिब से कहा गया, लेकिन पाकिस्तान में ये जो पैमाने कितनी देर में तब्दील हो जाते हैं ये तो आप भी बखूबी वाकिफ हैं। इन्हीं अदालतों से बहुत से लोगों को मुजरिम करार दिया गया, फिर वहीं से रिलीफ हासिल करके वो बैरूनी मुल्क में मुकीम है, यहीं से बहुत सारे मामला ऐसे हुए कि मैं क्या ही गिनवाऊं। फिर साहब आप मुझे ये बताएं कि जिनको जिन्होंने जबरदस्ती रिलीफ हासिल कर लिया है क्या वो आवाम में मकबूल हैं? सर ये तो आपका, देखिए ये तो आपका नजरिया है ना, हो सकता है कि आज भी उनकी मकबूलियत आवाम में मौजूद हो।
नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान में ये इलेक्शन का अनाउंसमेंट कर देते, इंतखाबात से भाग ही इसीलिए रहे हैं कि इनको पता ही इमरान खान का मुकाबला सियासी तौर पर, आपको लगता है मकबूलियत नहीं है इस वजह से ये इलेक्शन नहीं चाहते? जी जी श्वेत साहब, जी मैं शाह साहब की बात को बिल्कुल इंडोर्स करता हूं। शाह साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप अवाम 80% अवाम के दिल से उसको नहीं निकाल सकते, भी नहीं थी जो आज खान साहब एंजॉय कर रहे हैं, ये इसको आप ऐसे ना समझें, ये अगर आप ऐसी कोई हरकत करेंगे तो आप एक बुनियाद रखेंगे एक नए कुव्वत ढाका की, समझें इस बात को, इस बात को समझें, बिल्कुल सही। और ये बड़ा अलार्मिंग साइन है जो आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल। हमें इस वक्त हमारे पास एक और वाहिद और एक ही ऑप्शन है और वो ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, दैट्स इट। ये आपको इसको अल्टीमेटली आपको मानना पड़ेगा। आपने शेब साहब आपने इलेक्शंस की बात, शाह साहब मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, चाहता हूँ एक बात ऐड करना चाहता हूँ मैं इसके अंदर, वो ये कि मुझे आप ये समझाएं तो सही ना कि आखिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन या इंतखाबात का ऐलान क्यों नहीं किया जा रहा, मुझे ये समझाएं ना इसका रीजन। मैं यही सवाल भी मेरा है शाह साहब, बैरूनी मुल्क दोस्त हैं उनका भी यही मुतालबा है कि आप अपने सियासी स्ट्रक्चर को तो मजबूत करें। शाह साहब मेरा यही सवाल है, अभी आपने इंतखाबात की बात की, ये सवाल मैं आप दोनों से कर लेता हूँ। इस वक्त कराची हैदराबाद में जो बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के इंतखाबात होने हैं उसमें बहुत बड़ा सवालिया निशान है, यहाँ पे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इस वक्त प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज कर रही है, रैलीज आज भी कराची में निकाली जा रही हैं कि मौजूदा सिनेरियो में इंतखाबी अमल नहीं हो सकता। इस्लामाबाद में आप जहां मौजूद है वहां की सूरत हाल भी कदरे मुख्तलिफ नहीं, इस्लामाबाद में भी बल्दियाती इंतखाबात काफी अरसे से ड्यू है, वहां भी बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराए जा रहे। ये जो बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो पा रहे, क्या यही वजह है कि इस वक्त अगर ये इंतखाबात हो जाते हैं तो पॉपुलैरिटी ग्राफ वाजे तौर पर सामने आ सकता है किसी भी सियासी जमात का? जी शाह साहब। जी भाई इसका जवाब आपको पहले मैं थोड़ा सा करता हूं, उसके बाद शाह साहब से भी सुन लीजिएगा। देखें जहां तक इस्लामाबाद की बात है तो आप एक लम्हे के लिए सोचिए कि आपका जो प्राइम मिनिस्टर है वो सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर ही है, इस्लामाबाद से बाहर तो कहीं भी उसकी हुकूमत नहीं। सर मुल्क से बाहर तो है ना, सर मुल्क से बाहर तो प्राइम मिनिस्टर है ना, जहां अक्सर वो रहते हैं आजकल, से बाहर तो है। अच्छा अब गुजारिश ये है कि अगर इस्लामाबाद में भी मेयर पीटीआई का आ गया तो इनके पास क्या जस्टिफिकेशन रह जाएगी? शेर साहब आपकी बात के अंदर ऐड करता हूँ, यही सूरत हाल कराची की है, अगर पीपल्स पार्टी के अलावा किसी और का आ गया तो वहां पे क्या जस्टिफिकेशन पीपल्स पार्टी के पास रहेगी? सही, एग्जैक्टली इसलिए ये वहां पे भी बल्दियाती इंतखाबात अभी नहीं करवाएंगे, ये अपनी अटमोस्ट कोशिश करेंगे, और इलेक्शन कमिश्नर इनका अपना घर का बंदा है भाई, ये जेहन में रखें। सर लेकिन घर का बंदा होने से इसका मतलब ये थोड़ी है कि इंतखाबी अमल को तायात बिल्कुल रोका जा सकता है, तायात रुकने वाला अमल तो नहीं है ये, आज नहीं तो दो दिन बाद, दो नहीं तो चार हफ्ते बाद ही होने हैं। अभी तक तो सबको यही हो रहा है, अभी तक तो सब कुछ ऐसा ही हो रहा है जिस तरह सर, अभी तक तो यही हो रहा है ना। देखें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि इन बेवकूफों को समझ नहीं आ रही, ये समझ रहे हैं कि शायद खुदा ना खास्ता हम खान को मरवा देंगे तो सूरत हाल चेंज हो जाएगी, इनको ये नहीं पता कि ये चीज इनके गले में इतना बड़ा फंदा बन जाएगी जो ये कभी निकाल भी नहीं सकेंगे। अच्छा शेख साहब ये चले आपने पॉइंट दे दिया, मुझे जरा ये बताएं कि इस वक्त ये जो डिले किए जा रहे हैं, मैं कहूं बल्दियाती इंतखाबात भी मफरूजे के तौर पे मैं समझ लेता हूं, इसी सोच के तहत डिले किए जा रहे हैं ताकि किसी भी पॉलिटिकल जमात का क्या मैंडेट है वो सामने ना आए और एक कश्मकश की कैफियत रहे, अगर यही सूरत हाल समझ के इंतखाबात को मुलतवी किया जा रहा है तो क्या आगे चल के ये पॉपुलैरिटी ग्राफ तब्दील हो सकता है? क्या ये समझा जाए कि खान साहब की या कराची में जमात इस्लामी जो अपोजिशन का हिस्सा है उसकी पॉपुलैरिटी में वक्त के साथ कमी आ जाएगी और फिर इंतखाबी अमल में शायद राहें हमवार हो जाएंगी? जी सर नहीं सर ऐसा नहीं होगा, ये ले करेंगे उतना ज्यादा नुकसान करेंगे। फर्ज करें अगर आज इनके साथ 20% लोग हैं तो कल 20 भी नहीं रहेंगे, ये 5-10 पे आ जाएंगे, ये जितना डिले करेंगे इसका नुकसान इन्हीं को होगा, खान साहब को इसका फायदा ही होना है। इस वक्त अगर कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात हो जाते हैं
जिसके लिए बड़ी कोशिश भी की जा रही, बहुत सी सेक्शंस में कोशिश भी की जा रही, उम्मीदें कम है अगर ये हो जाते हैं तो इसके असरात क्या हमें जनरल इलेक्शंस भी पड़ते हुए नजर आएंगे? देखें, बात यह है कि एक सिंपल सी बात है जो समझ नहीं आ रही कि क्यों नहीं सबको समझ आ रही है, क्या बेवकूफी कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं और कौम के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं। आप इस अवाम को क्यों नहीं चूज करने देते कि वो किसको चाहते हैं, कि वो पाकिस्तान के ऊपर रूल करे, पाकिस्तान को हुकूमत करे? आप खाली ऐसा नहीं कर रहे कि आप इंतखाबात से भाग रहे हैं, आप अवाम के हक को भी मार रहे हैं जिस तरह आपने हमेशा अवाम के हक को मारा है। आप अवाम के हक पे डाका डाल रहे हैं, अगर अवाम का हक रोक रहे हैं कि वो किसको इंतखाबात करके इंतखाबात में जिताकर और पाकिस्तान के इक्तदार पर बिठाना चाहती है। अच्छा, मुझे एक चीज ऐड कर दें शाह साहब, इतनी पैनिक हो चुकी है, इतनी परेशान हो चुकी है कि इसका रद्द अमल बहुत बुरा आएगा। शाह साहब एक चीज और ऐड कर दीजिएगा, अगर ये बल्दियाती इंतखाबात जो कराची में एक्सपेक्टेड 15 तारीख को जो होने हैं, अगर ये हो जाते हैं और नतीजे मुत्तहिदा कौम मूवमेंट या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में नहीं आते, मैं मफरूजे के तौर पर बात रख रहा हूं, और तहरीक इंसाफ या दीगर जमात इस्लामी के हक में ये नतीजे आ जाते हैं, आपको लगता है कि एक इसका बड़ा असर जनरल इलेक्शन के ऊपर भी होता हुआ नजर आएगा और कहीं ना कहीं ये जो आम इंतखाबात हैं उसके लिए मजीद मुश्किलात को खड़ी करेगा? देखिए, ये पहले इन्होंने ट्राई की थी इस्लामाबाद के इलेक्शन से कि इन्होंने का एक टेस्ट ट्रायल करके देखें कि क्या सूरत हाल होगी। वो इनको पहले ही सारी जितनी रिसर्च रिपोर्ट्स गई थी उसमें सारा सर्वेस के अंदर इन्हें अंदाजा हो गया था कि यहाँ पर पीटीआई जीत जाएगी। ठीक है, इसी तरह अभी कराची के अंदर, सिंध के अंदर सूरत हाल ये है कि वहां पर पीपल्स पार्टी तमाम सीटों के ऊपर आना चाहती है, अक्सरियत हासिल करना चाहती है, और ये पीपल्स पार्टी एमक्यूएम के साथ एक सियासी जो है चाल चल रही है। जबकि एमक्यूएम का अभी मैं आपको ताज़ा तरीन बता देता हूँ कि इजहारुल हसन साहब ने जो है ये कंफर्म कर दिया है कि अगले 48 घंटे में तमाम धड़े जो एक दूसरे को नोचते थे, जो एक दूसरे की इज्जत उछालते थे, मुस्तफ़ा कमाल साहब, खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार साहब, ये तमाम अब जो है अगले 48 घंटे में एक हो जाएंगे और इनकी तमाम धड़ेबंदी खत्म होकर ये एक धड़ा बन जाएगा। ये आपने ये जो आप जो किसी के इशारे के ऊपर एक नया इतिहाद बनने जा रहा है, और ये सब कुछ कोशिश यही है कि किसी तरीके से पीटीआई को जो है इंतखाबात जीतने से रोका जाए और कुछ भी नहीं। सही हो गया। और शिव साहब आपका इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि ये कराची यकीन तौर पर माशी हब है, यहाँ पे एक बड़ी तब्दीली अगर आ रही हो, फिर ये मुत्तहिदा के मुख्तलिफ धड़े एक हो रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये आने वाले दिनों में सियासत में कोई बड़ी हलचल मचा सकता है? भाई मैं एक हिस्ट्री का वाकया आपको सुना देता हूँ कि जब OIC पहली मरतबा बनी थी तो उस वक्त अमेरिकन प्रेसिडेंट थे निक्सन, तो निक्सन को बताया गया कि अरबों ने OIC नाम की एक तंजीम बना ली है। तो निक्सन मुस्कुराया और मुस्कुराकर कहता है कि 0+0+0=0। ये आप गहरी बात कर गए शिव साहब, ये तो लेकिन यहाँ पे तो मौजूद है सियासी हकीकत है एमक्यूएम की, ऐसी तो आप इसे इनकार नहीं कर सकते। सर सियासी हकीकत उनकी मेरे ख्याल में 2018 के इलेक्शन में भी खासी वाजे हो गई है, ठीक है, इस वक्त और आने वाले वक्त में ये मजीद वाजे हो जाएगी। इस वक्त कराची के जो अवाम हैं, मेरे जो ट्विटर पे जो चंद एक दोस्त हैं जो कि एमक्यूएम के बड़े डाई हार्ड वर्कर हुआ करते थे, आज वो भी मतलब ये कि उनका नाम सुनना भी गुवारा नहीं करते। ठीक है, ठीक हो गया। एक मैंने आपसे एक अर्ज की है ना, खान साहब को अगर मैं कोई क्रेडिट देना चाहता हूं तो यही क्रेडिट दूंगा कि खान साहब ने एक तो इस कौम को थोड़ी अवेयरनेस दी है, दूसरे नंबर पे ये है कि इस कौम को कौम बनने के प्रोसेस में डाल दिया है। भाई ठीक हो गया शिव सर, ये आपने बड़े चलता रहा तो हम जल्द एक कौम बन। सर आपने कौम के प्रोसेस की तो बात कर ली, लेकिन कौम की जो सब माली और माशी मुश्किलें हैं वो इतनी उरूज पे, मैं चाहूंगा उसके ऊपर ही बात करें, लेकिन एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो ये जिनेवा में जो अहम मुलाकात हुई उसके ऊपर बात करेंगे और इसका आउटकम क्या है और मुल्क की माशी सूरत हाल इस वक्त किस तरीके से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, इसको बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। तस्करा हो रहा है पाकिस्तान की मईशत का,
तस्करी के काबिल भी है इस वक्त की मईशत, ये भी एक बड़ा सवाल है और मामला है, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत को जो चैलेंज दरपेश हैं उसमें कल हुकूमत की जानिब से एक बड़ा अनाउंसमेंट किया गया। जिनेवा में जो आलमी डोनर्स कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें पाकिस्तान ने तकरीबन 9 अरब डॉलर, इनफैक्ट 10 अरब डॉलर तक के जो प्लेजेस थे वो अपने हक पे कर लिए। इसका पाकिस्तान की मईशत पे क्या असर पड़ेगा, और ये जो रकम है जिसमें हमने कल भी बात की थी प्रोग्राम में, उसके असरात अब क्या पाकिस्तान की मईशत पे भी आएंगे और आम आदमी के ऊपर आएंगे, क्योंकि आज आटा, चीनी, दाल, चावल, हर चीज अशिया खुर्दनोश की बात करें, आप मुर्गी की बात करें, आप कोई भी आइटम उठा लें, एडेबल आइटम, हर चीज में हर रोज कीमतों में इजाफा हो रहा है, और हुकूमत की इस हवाले से खामोशी यकीनी तौर पे एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब ने कुछ अरसा पहले जब हुकूमत में आए थे और उन्होंने कहा था कि आटा महंगा है, उसको सस्ता करने के लिए कपड़े ही बेचने पड़े, तो वो भी यकीनी तौर पर इकदाम की बात की थी, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। शरीफ साहब, महंगाई अपने उरूज पे, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहां पे कीमतें अशय खुदनोश की रोजमर्रा की बुनियाद पे तब्दील ना होती हो, उन पर इजाफा ना होता हो। इस वक्त हुकूमत बिल्कुल नजर नहीं आ रही ग्राउंड पे महंगाई के हवाले से, मईशत के हवाले से। जी, इसमें कतन कोई शुबा नहीं है। देखें, लोगों का जीना हराम हो गया भाई। इमरान खान के दौर में 55 रुपए किलो आटा था, आज इस्लामाबाद में 160 रुपए किलो है भाई। सर, कौम को मुबारकबाद दे दें इस पे। कीमतें बढ़ी हैं। जी बिल्कुल, मुबारकबाद उनको देनी चाहिए जो इनको लाए थे। सर वो मुझे गालिबन वो शिव साहब मुझे याद आ गया कि जब खान साहब की हुकूमत तब्दील हुई थी तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने असेंबली के फ्लोर पे ये तकरीर करते हुए पहला जुमला कहा था कि वेलकम टू पुराना पाकिस्तान, आपको भी याद होगा। जी बिल्कुल मुझे याद है। तो ये पाकिस्तान पुराना पाकिस्तान तो नहीं रहा, पुराने पाकिस्तान में तो फिर आटा 30 या 20-25 रुपए का हुआ करता था। जी, तो मैं कह रहा था कि उस वक्त जो $1 का जो दूध का गैलन था, जब मैं 2012 में वापस आया हूं तो उस वक्त $1.80 का हुआ था, और इस मरतबा वहां पे भी ये तकरीबन कोई $5 के करीब चला गया। ठीक है, थोड़ी महंगाई वहां पे भी हुई है, लेकिन महंगाई तो हुई है, मगर यहाँ पे तो हद ही तोड़। बिल्कुल, यही बात है। और शेख साहब, मैं चाहूंगा इसके ऊपर ही बात करें, ये जो जिनेवा में जो पाकिस्तान को 10 अरब डॉलर्स की जो प्लेजेस हुए हैं और पाकिस्तान को इमदाद फराहम करने की कई ये यकीन दहानी कराई गई है, ये क्या पाकिस्तान की माशी सूरत हाल के लिए कोई पॉजिटिव साइन है? नहीं भाई, मैं इससे एग्री नहीं करता। मेरा अगर कल का आप मेरा ट्वीट पढ़ लेते तो आपको अंदाजा हो जाता। गुजारिश ये है कि $10 बिलियन नहीं, पहली बात तो ये कि $8 बिलियन की बात हुई है, और वो भी 3 से 10 साल की अरसे में इनको मिलेगा वक्फे वक्फे से, मतलब आते हुए तो शायद ये 1 बिलियन भी पूरा ना ला सकें। ठीक है, तो हम तो इस वक्त भाई डिफॉल्ट के किनारे पे खड़े हैं, उससे कैसे बचेंगे, पहला सवाल तो ये है। और ये आपको नहीं लगता है ये रकम से कुछ? जी 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 शुक्र सर। देखें, अगर ये फर्ज करें कि 1 बिलियन ले भी आते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, आप ही मुझे समझा रहे हैं। नहीं, वो तो कोई यकीन तौर पे कोई बड़ा फर्क नहीं आएगा। इनफैक्ट अगर 10 बिलियन भी आ जाते हैं, मेरे ख्याल से कोई ज्यादा वक्त के लिए ये फर्क नहीं आएगा, क्योंकि 9 माह पहले ये रिजर्व तकरीबन 16.2 बिलियन के थे, आज 4.5 तक रह गए। देखिए, गुजारिश ये है जो मेरी समझ में आ रहा है वो ये है कि वो ताकतें जिन्होंने हमें डिफॉल्ट करना है वो हमें डिफॉल्ट नहीं करवाना चाहते, वो यही चाहते हैं कि ये रींगते रहें, बस ये सिसकते रहें, रींगते रहें, मगर मरे ना, यही उनको सूट करता है शायद हमारे। ये आपने बड़ी एक दिलचस्प बात की, लेकिन रिजवान साहब, ये जो शेख साहब ने गुफ्तगू की, मुझे जरा ये बताएं कि अवाम का एक यकीन तौर पे अवाम का पैमाना तो ये होता है कि उनको जो आम रोजमर्रा की जो चीजें वो सस्ते दामों में मिले और आसानी से मिले, अगर हुकूमत ये नहीं कर रही तो ये समझा जा सकता है कि हुकूमत अपनी अवामी हिमायत को खुद अपने हाथों से खो रही है। सर, हुकूमत को अवामी हिमायत से कोई ताल्लुक ही नहीं है। हुकूमत को जिससे ताल्लुक था उन्होंने अपने केस फ्रीज हुए थे अदालती नामों से, वो सारे उन्होंने क्लियर करवा लिए। उनको अवाम से क्या है भाई, अवाम के पास खाने की 2 रोटी नहीं है और वो
जनाब आप मर्सिडीज गाड़ियां बुक करवा रहे हैं, 300 मर्सिडीज गाड़ियां दुनिया के अंदर बुक हुई हैं, 116 इस साल के अंदर पाकिस्तान में बुक, 165 तो मतलब आप क्या मुझे बताएं ना कि आवाम के लिए 165, और आप मुझे ये बताएं कि क्या पाकिस्तान के लिए अभी तक इन्होंने आकर किया। मुझे थोड़ा सा ये भी समझा दें शुएब साहब आप, के आखिर ये जो $17 बिलियन के हमारे जो रिजर्व थे, ये आज अगर $5 बिलियन कम हुए हुए हैं, तो भाई वो बाकी $13 बिलियन या $12 बिलियन वो किस तरह आवाम की मद में खर्च हुए, वो किस जगह पे खर्च हुए, उसका कोई हिसाब है क्या किसी के पास? सबसे बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर कहकर आप शहबाज शरीफ को आपने वजीर आजम बना दिया, सबसे बेहतरीन माशियत के चैंपियन लाकर आपने इसहाक डार को खड़ा कर दिया। शेर साहब आप इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये यकीनी तौर पे ये जो फैक्ट्स हैं ये जुटलाए नहीं जा सकते, ये जो बातें शाह साहब कर रहे हैं ये तो हर हक हर आवाम का नुमाइंदा कर रहा है, हर खासो आम कह रहा है, क्योंकि आज तो शायद हर किसी के लिए एक अहम टॉपिक है मईशत। आपका इसके हवाले से क्या कहना है जो शाह साहब ने फिगर्स कोट किए हैं? देखिये शाह साहब ने जो बातें की हैं 100% ठीक है, इसमें मैं थोड़ा सा इजाफा करूंगा। शाह साहब ने जो कहा कि $17 बिलियन कहाँ गए, तो शाह साहब को शायद इस चीज का अंदाजा नहीं कि 82 वजारतों के ऊपर इतना खर्चा तो हो ही जाता है भाई, ठीक है ना। आपके मुल्क में इस वक्त 80 से ज्यादा तो आपके वजीर हैं, आप चेक करें ना एक वजीर जो है मंथली कितने में कॉस्ट करता है, जब आपके पल्ले कुछ है नहीं, आप अवाम से कुर्बानी मांग रहे हैं, आप खुद कुर्बानी देने को तैयार नहीं है। आपका वजीरे खारजा जो है वो पाकिस्तान दौरे पे आता है, आपके जो पार्लिमानी जो मतलब ये कि जो आपका जो स्पीकर है वो 50 बंदों का डेलीगेशन लेकर कनाडा पहुंच जाता है। यार आप किस किस्म की यशियों में पड़े हुए हैं, आधे लोग कनाडा चले जाते हैं आधे लोग तुर्की चले जाते हैं, वो भाई खुदा का खौफ करो, मुल्क के हालात देखो। और ये यकीन तौर पे एक बड़ा सवाल तो है शाह साहब, आपका क्या कहना है, क्योंकि ये बात तो चल रही है कि इस वक्त आर्मी चीफ सऊदी अरब के दौरे पे हैं, यूएई के दौरे पे हैं, और दोस्त ममालिक से हमें एक तावुन की उम्मीद भी है, लेकिन कहा यही जा रहा है जो इत्तलात अभी तक हैं कि कहीं ना कहीं ये तमाम तर जो वादे हैं तमाम तर जो दावे हैं ये इलेक्शन की तारीख से मशरूत है, एक ऐसी सस्टेनेबल हुकूमत से मशरूत है जो कि एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे पाकिस्तान में अपने मामलात को अपनी पॉलिसीज को आगे लेके चल सके। आपको लगता है कि ये इमदाद या ये जो सपोर्ट आ सकती है? यह है कि मैं शहबाज शरीफ साहब की अपनी स्टेटमेंट उनके सामने ले आता हूँ तो आपको इस आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा कि बैगर्स आर नॉट चूजर्स। जब आप हाथ के अंदर खुद आप अय्याशी करते हो, खुद आपके अरबों रुपए के जो है केसेस हैं जो आपने माफ कराए हैं वो आप एक तरफ माफ करा के रिलीफ लेके साइड पर हो जाते हैं, दुनिया में आप मांगने के लिए जाते हैं 40 करोड़ की घड़ी पहनकर, तो फिर दुनिया को इतनी बेवकूफ तो नहीं है कि आपको हर दफा उठा उठा कर दे दे, एक दफा दे दिया दो दफा दे दिया। पाकिस्तान इस तरह नहीं चलेगा, पाकिस्तान के लिए एक ठोस आपको सियासी सिस्टम को बरकरार रखना पड़ेगा और ये जमहूरियत जमहूरियत वाला ये जो राग है इसको सही डगर पे लाना पड़ेगा, अवाम की मंशा से आपको अगले मामला चलाने पड़ेंगे वरना पाकिस्तान इन मामला से नहीं निकल सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान शाह साहब और शुएब राजा साहब हमारे साथ मौजूद थे। और जी शुएब साहब देखिये गुजारिश ये है कि पाकिस्तान के ऊपर $130 बिलियन का कर्जा चढ़ा है जी। पाकिस्तान में अगर आप देखें तो सिवाय दो डैमों के हमें कुछ नजर नहीं आता जो इस मुल्क के लिए किया गया, ठीक है जी। तो भाई वो पैसे खाए तो इन्होंने हैं, देगा वो गरीब छाबड़ी फरोश, देगा वो गरीब तंदूर वाला, देंगे हम लोग। शेर साहब आपका पॉइंट आगे, मेरा माजरत के साथ वक्त की कमी है और वक्त इजाजत देता है तो इस प्रोग्राम को और भी आगे लेके चलते, क्योंकि जो गुफ्तगू इतनी दिलचस्प हो रही थी कि मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं आज के प्रोग्राम को वाइंड अप करूं, लेकिन इस उम्मीद के साथ प्रोग्राम को आज क्लोज करते हैं कि जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं वहां पर अब कोई बेहतरी की सूरत निकलनी चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान जिस डगर पर आ चुका है वहां पर कोई एक कदम भी ऐसा नहीं लिया जा सकता जहां पर पाकिस्तान मजीद मुश्किल का शिकार हो जाए। पाकिस्तान ऑलरेडी एक ऐसे भंवर में एक ऐसे दलदल में फंसा हुआ है जहां से निकलने के लिए हमें बड़ी मेहनत करनी होगी और कौम को बहुत सी कुर्बानियां मजीद देनी होंगी। ऐसा कोई कदम खुदा रा ना उठाया जाए जो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात में इजाफा करे और एक ऐसी सिचुएशन में हम आके फंस जाएं जो कि नाकाबिले तलाफी नुकसान पाकिस्तान को पहुंचा दे। इसी दुआ के साथ कि पाकिस्तान अपनी राहों पे तरक्की की राहों पे आगे चलता रहे, पाकिस्तान और पाकिस्तानी अपनी जिंदगियों में खुश रहें आजाद रहें, इसी दुआ के साथ प्रोग्राम को क्लोज करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने मेजबान उनको इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।
आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।